अब देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक एयरटेल एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल भारतीय टेलीकॉम ने सिंगापुर की सिंगलिट और दूसरी विदेशी कंपनियों से 4,900 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। इस कदम से देश की सबसे पुरानी निजी क्षेत्र की ये दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनी एक विदेशी कंपनी की इकाई बन जाएगी। भारतीय टेलीकॉम दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनी भारतीय एयरटेल की प्रमोटर है। मामले से जुड़े एक अधिकारी सूत्र ने बताया कि इस पूंजी निवेश से भारतीय टेलीकॉम में विदेशी हिस्सेदारी बढ़कर 50% से अधिक हो जाएगी, जिससे ये एक विदेशी स्वामित्व वाली इकाई बन जाएगी। वर्तमान में सुनील भारती मित्तल और उनके परिवार की भारतीय टेलीकॉम में करीब 52% हिस्सेदारी है। भारतीय टेलीकॉम की भारतीय एयरटेल में करीब 41% हिस्सेदारी है। सूत्र के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम ने कंपनी में 4,900 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के लिए आवेदन किया है। इसमें सिंगलेट और कुछ दूसरे विदेशी निवेशकों की ओर से होने वाला निवेश शामिल है। इसके साथ ही भारतीय टेलीकॉम विदेशी इकाई बन जाएगी, क्योंकि ज्यादातर हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों के पास होगी। दूरसंचार विभाग ने इससे पहले इस साल की शुरुआत में भारतीय एयरटेल के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आवेदन को वापस कर दिया था, क्योंकि कंपनी ने विदेशी निवेशकों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। वर्तमान में भारतीय एयरटेल में कुल विदेशी हिस्सेदारी 43% है। कंपनी के प्रमोटर इकाई भारतीय टेलीकॉम के विदेशी कंपनी बन जाने के साथ ही कंपनी में विदेशी हिस्सेदारी बढ़कर 84% के पार हो जाएगी। भारतीय एयरटेल ने कहा कि विदेशी इक्विटी पूंजी में मामूली वृद्धि से भी भारतीय टेलीकॉम में विदेशी निवेश 50% से ऊपर निकल जाएगा। भारतीय एयरटेल कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को 100% पर ले जाने के लिए पहले ही आवेदन कर चुकी है।